तो फ्रेंड्स, बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रचारी, सहायक, आदेशपाल, क्लर्क की भर्ती को लेकर यहाँ पे न्यू अपडेट आ रही है, जो कि यहाँ पे ये न्यूज आई है। तो क्या है दोस्तों, इसको लेकर बताने वाला हूँ। इसको पद की बात करते तो 2400 पदों पर है, और योग्यता की बात करते तो मैट्रिक इंटर पास इसका योग्यता, और ये बिहार सरकार की ये भर्ती है जो कि यहाँ पे इसका न्यूज निकल कर आ रही है। तो क्या है न्यूज, उसको देख लेते हैं और उसके यहाँ पे समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया इस भर्ती को रिलेटेड। तो दोस्तों, ये रहा यहाँ पे न्यूज जो जारी किया गया है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है कि स्कूल सहायक के आधे पदों पर अनुकंपा पर ये नियोजन, जो भी यहाँ पे जो बताया गया है कि आधा जो हो गया इसमें 50% जो हो गया इसमें जो गया अनुकंपा पर बहाली होगी। और यहाँ पे बताया गया है कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में सहायक व प्रचारी यानी कहे तो आदेशपाल के 50% पदों पर अनुकंपा पर नियोजन होगा। आप यदि आप ये सोच रहे हो कि अनुकंपा क्या होता है, तो आपको बता दें, अनुकंपा ये होता है जिसका भी मान के चलिए फादर या मदर मान के चलिए जॉब कर रहे हैं सरकारी गवर्नमेंट, और उसका जब किसी कारणवश डेट वगैरह हो जाता है तो उसके जगह पर जो नौकरी होता है उसको कहा जाता है अनुकंपा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि सेवा काल में शिक्षक व शिक्षेत्तर कर्मियों के मृत्यु के 5 सालों के अंदर नियोजन के लिए आश्रितों को आवेदन देना होगा। जिस विद्यालय में शिक्षक अथवा कर्मी कार्यरत थे, उस क्षेत्र के लिए तय नियोजन इकाई के अंतर्गत क्षेत्र में नियोजन के लिए ही आश्रितों से आवेदन लिए जाएंगे। और यहाँ पर बताया गया कि शिक्षा विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि उक्त स्तर के विद्यालयों में स्वीकृत शिक्षेत्तर कर्मियों, जैसे कि लिपि के यहाँ पर बताया गया है कि 1172 व चतुर्थ कर्मियों के रिक्त पद हो गया 1129 पदों को सिलेंडर करते हुए इतने ही नियत वेतन पर पदों का सृजन किया गया है। इन पदों पर जो गया सीधी नियुक्ति के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने के बाद नियोजन की जो कि यहाँ पर बताया गया है कि प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इन पदों के लिए यहाँ पे सीधी नियुक्ति के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने के बाद नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। आपको बता दें, कुछ दिन पहले यहाँ पे कुछ महीनों की बात है, यहाँ पे पहले जब एक बार और भी वीडियो बनाया था, इससे तो कितना बार वीडियो बनाया है, उसमें एक बार न्यूज आ रहा था कि इसमें जो गया डायरेक्ट इसे सीधी भर्ती होगी, इसमें कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं होगा, नंबर बेसिस पे मेरिट लिस्ट पे यहाँ पे जितना जितना नंबर होगा वैसे यहाँ पे बहाली होगी, यहाँ पे एक बार न्यूज़ में आया हुआ था। तो अब बात करते हैं यहाँ पे जो 50% यहाँ बताया गया है कि अनुकंपा पर, और जो 50% बचता है वो यहाँ पे फ्रेशर यानी कि सभी लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। वही आपको योग्यता की बात करते हैं तो उसमें बताया गया था जो कि इसमें मैट्रिक इंटर था सहायक व आदेशपाल के लिए। और यहाँ पे आपको बता दें, आदेशपाल के मैट्रिक था और सहायक का वो उसमें इंटर पास था, थोड़ा सा याद आ रहा है। और आपको बता दें कि इसमें प्रधानाध्यापक के यहाँ पे बताया गया है कि प्रधानाध्यापक बनेंगे BEU। अब BEU आपको बता दें क्या होता है, BEU होता है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, BEU कहा जाता है, के रिक्त पदों पर अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के राजकीय बुनियादी विद्यालय में पदस्थापित। यहाँ पर बताया गया है कि राजकीय बुनियादी विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक है को यहाँ पे वरीयता के हिसाब से प्रतिनियुक्त किया जाएगा BEU के रूप में, यानी कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में यहाँ पे बताया गया। तो यही था आज का पेपर में ये दिया गया है, और यहाँ पे बताया गया है इस भर्ती को लेकर कब भर्ती होगी। तो यहाँ पे बताया गया है कि इन पदों का यहाँ पे जो गया सीधी नियुक्ति के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने के बाद नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। और यहाँ पे बताया गया है कि इतना ये सारे पद जो हो गया सृजन करते हुए इतने ही नियत वेतन पर पदों का सृजन किया गया है। तो दोस्तों, यही था न्यूज और नोटिस। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो के लाइक एंड यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे में जॉब से रिलेटेड पर्पल की खबर लेके आता रहता हूँ। थैंक यू, बाय बाय एंड लव यू ऑल।